अस्सलाम वालेकुम। आज हम मैथ का नेक्स्ट पोर्शन करते हैं। हमने ये सीरीज स्टार्ट की हुई है, हमने फोर्थ क्लास कंप्लीट कर ली है और अब हम फाइव क्लास का सिक्स चैप्टर करेंगे। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट पोर्शन है, इसमें बेसिक मैथ भी आप लोगों की कवर हो जाएगी। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, इसकी आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। द प्राइस ऑफ वन पेन, एक पेन की कीमत कितनी है? 20 रुपये। तो 15 पेन की कीमत आप लोगों ने फाइंड करनी है। 15 पेन की, जब जिस जगह एक पेन की कीमत या एक बुक की, एक चेयर की, किसी भी एक चीज़ की अगर आप लोगों को कीमत गिवन हो ना, और नेक्स्ट 20-25 किसी के भी पूछिए, तो आप लोगों ने 20 को 15 से मल्टीप्लाई कर देना। इधर तो ये करना था। नेक्स्ट कोई भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आप लोगों ने जस्ट मल्टीप्लीकेशन करके आंसर निकाल लेना। अच्छा, इसमें देखते हैं के फाइंड द प्राइस ऑफ 25 चेयर्स। 25 चेयर्स की प्राइस फाइंड करनी है, उसमें एक पेन की कीमत गिवन थी। इसमें क्या करनी है, 25 चेयर्स की कीमत फाइंड करनी है। इफ द प्राइस ऑफ वन चेयर इज, आप देखें कि 25 की फाइंड करनी है और एक की दी हुई है कि 250 है। उसमें भी पहले कह दी थी कि एक पेन की कीमत 20 और 15 की मालूम करें। इसमें उल्ट कर दे के 25 की फाइंड करनी है और वन चेयर की इतनी। तो आप लोगों ने क्या करना है, जस्ट इसको 25 को 250 से मल्टीप्लाई कर देना। सिंपल, ये दोनों सेम एक ही तरीके से क्वेश्चन हो जाएंगे। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है कि गार्डन से कितने फूल तोड़े हैं? 6, 7, 5। अब इनका गुलदस्ता बनाना है कि हर एक गुलदस्ते में 15 फूल आएँ। तो इसमें एक की, एक गुलदस्ते में हमने फाइंड करने के, एक गुलदस्ते में कितने आएंगे? तो आप लोगों ने सिंपल पहले वन की फाइंड करने के लिए आप लोगों ने क्या करना है कि 6, 7, 5 को जो भी नंबर की वन हो उससे डिवाइड कर देना है, तो वन की आ जाएगी। ये देखे ना कि वन की फाइंड करने के लिए आप लोगों ने डिवाइड कर देना है, ये वन की आ गई। तो 15 फूल होंगे तो 45 गुलदस्ते बनेंगे, ये याद रखने। ये देखें ना कि नेक्स्ट करते हैं, द वेट ऑफ 25 बैग्स ऑफ शुगर इज, 25 बैग शुगर के, उनका कितने के जी के? 650 के। टू फाइंड द 50 बैग्स ऑफ शुगर, हमने 50 की फाइंड करनी है। ये देखिए 25, इसका डबल कितना हो जाएगा? 50। ठीक है, एक की फाइंड करनी है तो 650 को 25 से डिवाइड कर दो, वन की आ जाएगी, और उसको फिर 50 से मल्टीप्लाई कर दो। इसमें भी ऐसे ही था कि वन की फाइंड करनी है, आप लोगों ने डिवाइड कर देना है, और इसमें भी यही है कि 25 बैग हैं, 650 रुपये उनकी कीमत है, तो हमें वन बैग की कीमत चाहिए, तो हम क्या करेंगे, 650 को 25 से डिवाइड कर देंगे और जो आंसर आएगा उसको 50 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इधर भी जो आंसर आया था वो हमारा आंसर बन गया था। नेक्स्ट कहता है कि द कॉस्ट ऑफ वन दर्जन ऑफ एग इज 65। एक दर्जन अंडों की कीमत कितनी है? 65। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 5, तो जस्ट 5 से मल्टीप्लाई कर दो। एक की बताई हुई है, 5 की फॉर्म करनी है तो 5 से मल्टीप्लाई कर दो। ये देखो इसका सॉल्यूशन इधर गिवन है। ओके, ये तीन क्वेश्चन सेम हो गए हैं, ये वाले तीन, ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। नेक्स्ट देखते हैं ये वाला क्वेश्चन, नहीं इससे ऊपर वाला, कि अहमद अर्न्स, अहमद ने कितनी कमाई की है? 400 पर डे, 400 एक दिन के। फाइंड द वीक, वीक की फाइंड करनी है, वीक में 7 दिन होते हैं, 7 से मल्टीप्लाई कर देना, सिंपल आंसर आ जाएगा। अच्छा, इसमें देखते हैं कि कहता है कि इफ़ द कॉस्ट ऑफ वन दर्जन पेंसिल इज, एक दर्जन में 12 होते हैं, पेंसिल की कीमत कितनी है? 90। 12 पेंसिलों की कीमत कितनी है? 90।
फाइंड द कॉस्ट ऑफ वन पेंसिल, एक पेंसिल की कीमत फाइंड करनी है। तो 12 पेंसिल हैं तो 90 को 12 से डिवाइड कर देना, तो एक पेंसिल की कीमत कितनी आ जाएगी। इधर कहा कि एक दर्जन पेंसिल की कीमत 90 है, मतलब 12 पेंसिलों की कीमत कितनी हुई, 90। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं कि द दर्जन ऑफ बनाना, एक दर्जन में कितने आते हैं 12, तो कितनी कीमत है 12 की, 72। तो फाइंड द, हमने फाइंड क्या करना है, 7 की। पहले तो आप लोगों ने एक के निकालना है कि एक की कीमत निकालने के लिए आप लोगों ने उसको डिवाइड ही करना है, 72 को 12 से डिवाइड करना है। 72 को 12 से डिवाइड करके कितना आंसर आ गया, 6। ये देखें एक की कीमत आ गई, तो 7 की फाइंड करनी है, 6 को 7 से मल्टीप्लाई करना है। ये तीन क्वेश्चंस वैसे हो गए कि सिंगल की वैल्यू गिवन होगी तो डबल से मल्टीप्लाई कर देना। अभी इधर क्या गिवन है, और 7 की फाइंड करनी है। इस क्वेश्चन में देखें कि इफ़ द दर्जन ऑफ बनाना कॉस्ट ऑफ 72, 12 की कीमत इतनी है तो 7 की फाइंड करनी है, मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल लेना। इस क्वेश्चन में देखें द एनुअल रेंट ऑफ द हाउस इज, एक घर का रेंट कितना है गिवन है, फाइंड द रेंट ऑफ 33, जस्ट मल्टीप्लीकेशन कर देनी। इसमें देखें ये इधर गए, इधर इसका ये गिवन है कि 1 मंथ रेंट कितना होगा, एक महीने का, तो 12 से डिवाइड कर दिया, 95 आ जाएगा। जब ये आ गया तो 33 के साथ डिवाइड मल्टीप्लीकेशन कर देनी है, सिंपल। ये देखें इधर लिखा हुआ नीचे। तो आज हमने जस्ट ये क्वेश्चन थे कंप्लीट कर लिए, नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ना वो मीन एक्सट्रीम और डे प्रोपो रेशो वाले, वो हम इंशाल्लाह ताला कल कर लेंगे। तो कल हमने UFR क्लास कंप्लीट करनी है, उसमें डिस्टेंस रेशो एज वाले क्वेश्चंस होंगे, तो हम कल वो कंप्लीट कर लेंगे।